हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है थर्सडे, आज है 31 मार्च। मार्च जो महीना है ना, खत्म होने जा रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग आने स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पे क्या होता है न्यू जर्सी में, वेदर इतना फ्लक्चुएट होता है ना, कभी ठंडा कभी गर्म, पता ही नहीं चल रहा है। कभी तो फील होता है या समर आ गया है, स्प्रिंग आ गया, बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ दिनों से इतना ज्यादा ठंडा चल रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ। आज फिर भी थोड़ा सा वेदर ठीक है, बट 2 दिन जो ठंडा पड़ा है ना, बता नहीं सकती हूँ। घर के अंदर भी बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। तो आज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। एक बिग न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है बता दूँ क्या? हाँ बता ही देती हूँ। वो हम लोग को का बिग न्यूज है कि हम लोग जा रहे हैं इंडिया। हम लोग इट्स बिन 2.5 ईयर्स कि हम लोग इंडिया विजिट नहीं किए हैं। फैमिली मेम्बर से मिले नहीं हैं। सबसे इस पैंडेमिक के दौरान ना बहुत कुछ हुआ है, घर में भी सबका हेल्थ बिगड़ा है, बहुत कुछ हो चला है, बट यहाँ से बस हम लोग सुने ही हैं। तो इट्स बिन 2.5 ईयर्स कि हम लोग किसी से नहीं मिले हैं, फैमिली मेम्बर से नहीं मिले हैं, फ्रेंड से नहीं मिले हैं। तो अब इतने दिनों के बाद जा रहे हैं, सबसे मिलूंगी। बहुत पॉजिटिविटी आती है जब आप फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलते हो, देखते हो, तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। ये सिचुएशन सबके लिए बहुत टफ रहा है, लाइक कोविड के टाइम में बहुत टफ रहा है। लोग चाह के भी नहीं जा पाए, लाइक इंडिया में भी, दूसरे दूसरे स्टेट में भी अगर फैमिली मेम्बर्स रहते तो फैमिली मेम्बर्स के पास जा नहीं पाए हैं। बट होपफुली धीरे धीरे सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। जो जो मेरी तरह आप भी USA में रह रहे होपफुली आप लोग भी अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए, आई नो कि बहुत कोई बैठे हुए हैं, तो होपफुली आप भी अपने फैमिली मेम्बर से मिलोगे। थोड़ा सा अपने में पेशेंस रखो, दिन आ जाएगा और श्योरली आप लोग भी जाओगे, मिलोगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सब कुछ तैयारी धीरे धीरे हो रखा है। और हम लोग बहुत जल्दी, लाइक बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं। तो प्रिपरेशन पूरा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। स्कूल में भी नोटिफाई कर दिया है, लाइक यहाँ के US में स्कूल में पहले आपको नोटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नोटिफाई करके नहीं जाते हो, बच्चे अगर एब्सेंट होते हैं तो लाइक वो लोग कॉल करते हैं, और इंडिया अगर जाते हैं तो यहाँ का नंबर मतलब लगता नहीं है, तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। लाइक अगर पेरेंट्स कॉल नहीं उठाते हैं तो वो पुलिस के पास जाता है, और फिर उसके बाद अलग एक क्राइम पे चला जाता है। तो सबसे पहले जो ये चीज रहता है कि अगर इंडिया आप जा रहे हो, स्कूल में श्योरली नोटिफाई करो। यहाँ पे क्या होता है कि अगर 10 डेज, न्यू जर्सी का रूल है, अगर 10 डेज हो जाता है एबसेंट, ज्यादा हो जाता है तो नाम कट जाता है। उसके बाद जब आप आते हो तो फिर से वो लोग आपको उसी क्लास में, सब कुछ वैसे के वैसे ही रहता है। तो क्लास में, स्कूल में सब बात हो चुका है, और जो जो टेस्ट वगैरह है वो लोग की टीचर्स सब ले लिए हैं, तो वो सब चीज से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया है। इसीलिए मैं भी कुछ दिनों से बहुत बिजी थी, लाइक ये सब चीज मुझे सॉर्ट करना रहता है। तो ये सब चीजें हो गया है, और अभी इंडिया में ट्रैवल करना थोड़ा सा इजी हो गया है। COVID-19 टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्सीनेटेड हो तो आप आ सकते हो। ये सब चीजें लाइक थोड़ा सा इजी हो गया है, और हम लोगों को जाना ही था, क्योंकि अब हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों में जनेऊ बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो वो जनेऊ भी हम लोगों को करवाना है। वो है सेकेंड न्यूज, जो कि दोनों बच्चों का जनेऊ करवाना है, और दोनों का एक साथ में ही हम लोग जनेऊ देंगे। और हम लोगों में जनेऊ बहुत बड़ा एक ओकेशन होता है, लाइक इस काइंड ऑफ शादी जिसमें बस वाइफ नहीं आती है, बहू नहीं आती है, बट
पूरा जो रिचुअल्स होते हैं ना वो बिल्कुल शादी की तरह होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है इंडिया जाके, साथ में सेकेंड फंक्शन जो कि मेरा जो भतीजा है ना उसका भी जनेऊ होने वाला है। डेट अलग रहेगा बट हाँ उसका भी होने वाला, वो भी एक बड़ा फंक्शन है। साथ में मेरी कजन सिस्टर है उसका भी शादी होने वाला है। तो ये सब चीजें आपको मेरे वीडियो के दौरान देखने को मिलेगी। इंडिया ट्रिप जो है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। घर वालों से मिलेंगे, बहुत मजा मस्ती करेंगे और बहुत फन होने वाला है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर डालिएगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे देखने को। और एक्साइटमेंट में मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कभी कभी बिलीव नहीं हो रहा है कि सीरियसली मैं जा रही हूँ। क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान ना बहुत मन करता था घर जाऊं, बात करूं, अपने घर वालों से मिलूं, क्योंकि बहुत बीच बीच में बहुत किसी का तबीयत खराब हुआ है जो कि बस फोन से ही पूछा है, सामने से किसी से नहीं मिल पाई हूँ। तो वो एक एक्साइटमेंट है, घर जाना है, सबसे मिलना है, सबको एक हेल्दी देखना है। मेरा यही मोटो है कि सबको जाके हेल्दी देखो। तो होपफुली सब बिल्कुल जिस तरीके से छोड़ के आई हूँ ना उसी तरीके को देखने को मिलेगा। और बहुत फन मस्ती होने वाला है। पैकिंग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है और जो जो गिफ्ट्स वगैरह वो सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले ली है। वहाँ पे भी शॉपिंग करनी बाकी है, क्या क्या पार्टी में पहनना है, क्या क्या सब कुछ करना है, तो वो सब कुछ करना है। और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं यूनाइटेड एयरलाइन से। तो यहाँ से हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर अपना जो होम टाउन है, हम लोग रांची से बिलोंग करते हैं तो रांची वहाँ से चले जाएंगे। तो एक यूनाइटेड एयरलाइन मतलब अच्छा एयरलाइंस भी है और कनेक्टिविटी भी उसका अच्छा है। डायरेक्ट यूएसए टू इंडिया है, कहीं पे हॉल्ट नहीं करना पड़ा है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसीलिए हम लोगों ने यूनाइटेड लिया था। और साथ में इसमें एक बस एक ही चीज़ मुझे लगा है कि बस बैगेज एक एक करके अलाउ है, दो दो बैगेज अलाउ नहीं है पर पर्सन, वही एक चीज़ है। बट ठीक है, थोड़ा सा अच्छा अगर होस्टिंग मिले तो क्या बुराई है। तो बस अब यही एक्साइटिंग न्यूज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और थोड़ा थोड़ा जो पैकिंग है ना वो भी आप लोगों के दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या मैंने पैकिंग किया है। और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये वाला जो है आज अमेजोन से आया, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। ये है बैगेज कवर। आई डोंट नो कैसा है बट डालने के बाद ही पता चलेगा। तो आज सुबह से मेरा कुछ ना कुछ पैकेजेस डिलीवर हो ही जा रहे हैं। तो बस यही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप करी हूँ कि आप भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। और अगर आप देख रहे हो बाहर कहीं पर रह रहे हो, आपको भी मन कर रहा है इंडिया जाने का, तो बी पेशेंस, आपका भी टर्न आएगा, आप भी ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर से मिल पाओगे। तो मैं तो यही कहूँगी क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि जाना चाहते हैं और किसी ना किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं। तो वही पेशेंस रहना ही अभी के टाइम में बहुत बड़ा चीज़ है। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा अपना काम समेट दूँ, मुझे लगा कि कैमरा ऑन करती हूँ और आप लोगों के साथ ये बड़ा सा न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऑलमोस्ट जो है ये पैकिंग हो गया। इस तरीके के चार बैग लिए हैं जो कि पैकिंग हो गया हो रहा है, मतलब धीरे धीरे सब चीज़ें को रख रहे हैं। तो धीरे धीरे सब फोल्ड कर करके रखना भी सब बिग टास्क।
सो अभी ट्रैवलिंग करना है तो रात के 11:30 बजे आपको दिख ही रहा होगा और बच्चे भी ऑलमोस्ट मतलब सो ही गए हैं। मैं अपना काम फिनिश करके अब सोने ही जा रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है रात को, सब कुछ पैकिंग वैकिंग करते करते तो बच्चे भी सो गए हैं। अब हम लोग भी सोने के लिए चले जाएंगे। और बच्चे कितने अच्छे लगते हैं राइट, जब सो जाते हैं तो बिल्कुल शांत शांत, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके सोते हुए देखते हुए। मेरा जो है बैग काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये कवर डाल के थोड़ा सा ये रिपअप हो गया था, तो हमने सोचा कि एक्सचेंज करने से अच्छा इसे कवर लगा दे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा फेस पैक, क्योंकि इंडिया जाना है, बहुत सारे एक्टिविटी है तो थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। तो ये मास्क बहुत अच्छा है, गोल्ड मास्क, आप भी ट्राई कर सकते हैं। पील ऑफ मास्क है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सो गाइस, आज है नेक्स्ट डे। जैसे कि देखा कि मैं पील ऑफ मास्क लगाई थी और काफ़ी क्लीन हो गया है, मतलब फेस आपको पता ही चल रहा होगा काफ़ी क्लीन हो गया है। तो आज सुबह से इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा ना, वो आएगा ट्रैवलिंग ब्लॉग, कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं यूएसए से इंडिया, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ा है, क्या क्या कुछ करना पड़ा है, सो उससे रिलेटेड है। तो सुबह से घर भी पूरा क्लीन करके मुझे जाना रहता है, ताकि आके ऐसे भी मूड डाउन रहता है कि घर वर सब छोड़ के आ रहे हैं और घर वालों को छोड़ के आ रहे हैं। तो घर क्लीन रहने से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहता है, साफ़ सफाई थोड़ा सा कम करना पड़ता है, वैसे तो क्लीन करना ही पड़ता है, लेकिन बिखरा नहीं रहना चाहिए। मेरा यही फंडा है, कहीं पर भी जाती हूँ आके जैसे घर ठीक रहे। तो इसी बीच में थोड़ा सा डॉलर ट्री भी गई थी, इस तरीके के बैग्स लेके आई जिसमें टूथपेस्ट हुआ और कॉस्मेटिक्स का सामान थोड़ा थोड़ा, जो कि मुझे लेके जाना है, और उज्जवल का भी शेविंग क्रीम व्रीम जो है इसमें डाल के लेके जाऊंगी। तो ये चीज़ें ना बहुत ही हैंडी रहता है, मतलब बहुत यूज़फुल रहता है, ये सब चीज़ें भी लेके आई। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ट्रैवल रिलेटेड वीडियो आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इंडिया ब्लॉग्स जितना हो सकेगा मैं कवर करूँगी, अगर अपलोड नहीं कर पाई तो आके फिर अपलोड करूँगी, क्योंकि जा रही हूँ तो अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम पार करूँ, सबके साथ अच्छा मिल के एक टाइम स्पेंड करूँ, यही मोटो लेके जा रही हूँ। और बहुत सारे चीज़, बहुत ओकेशन देखने को मिलेंगे, फैमिली मेम्बर से मिलने को मिलेंगे, तो स्टे ट्यून। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालिए, और नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल ट्रैवल रिलेटेड, मतलब क्या क्या चाहिए, क्या क्या कागज़ चाहिए, बच्चों के साथ हम लोग जा रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लेके जाइए, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर डालिए, और चलिए मिलती है एक और एक वीडियो के साथ। तो खुश रहिए, अच्छे रहिए, और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।